हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे MI 11 लाइट के बारे में, जो कि फाइनली जून के मंथ में इंडिया में लॉन्च होने वाला है और ये किस प्राइस में इंडिया में लॉन्च होगा और किन फीचरों के साथ ये इंडिया में लॉन्च होगा। आज हम इस वीडियो में फुल डिटेल से बात करने वाले हैं। और आपको बता दें, ये जो स्मार्टफोन है वो 4G होगा, 5G वाला अभी लॉन्च नहीं होने वाला। 5G के लिए आपको थोड़ा वेट और करना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन के लुक और डिजाइन की। तो इस स्मार्टफोन आपको देखने में इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तीन कलर आपको इसमें मिल जाते हैं और फ्रंट में आपको ग्लास मिलता है, बैक में ग्लास मिलता है। फ्रंट में आपको पंच होल डिस्प्ले मिलती है, बैक में आपको इसमें ट्रिपल कैमरा मिलता है। और इस ये जो स्मार्टफोन है बहुत ही हल्का है और स्लिम है। इसका लुक और डिजाइन मुझे अच्छा लगा। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो इसमें आपको 6.55 इंच की एक फुल HD+ डिस्प्ले मिलती है और स्क्रीन है AMOLED डिस्प्ले। और इसमें आपको 19Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है और पंच होल डिस्प्ले भी मिलती है। डिस्प्ले क्वालिटी बेस्ट है। इसका जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का है 732G का, जो आप MI के स्मार्टफोन में पहले भी देख चुके हो। और इसमें आपको बैक में ट्रिपल कैमरा मिलता है, जो मेन कैपेसिटी फॉर्मेशन का, फिर 8 का और फिर 5 का, और फ्रंट में 16 की सेल्फी मिलती है। कैमरा भी इसका बेस्ट है। और इसमें आपको 4230mAh की बैटरी मिलती है। 33W का फास्ट चार्जर है, टाइप्स का सपोर्ट है। 3.5MAh नहीं मिलता, ट्रिपल सिम नहीं मिलती। 6GB 8GB की रैम है, 128GB की मेमोरी है। और इसमें आपको सारे सेंसर मिल जाते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस लॉक भी। और बात करते हैं प्राइस की, तो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 18,999 रुपये। तो फिर आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा? क्या आप इस स्मार्टफोन को लेना पसंद करोगे या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।